नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे से होंगे। मैं सुमित शर्मा टैक्सम चैनल में आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, टैग लगातार एक से एक बेहतरीन स्मार्ट वॉच लॉन्च किया जा रहा है। टैग ने हाल ही में अपनी एक स्मार्ट वॉच लॉन्च किया है, यह है टैग वर्ब कनेक्ट अल्ट्रा स्मार्ट वॉच, जिसके अंदर हमें 1.78 इंच का फुल HD AMOLED डिस्प्ले दिया गया है, ब्लूटूथ कॉलिंग दी गई है और इसका लॉन्चिंग प्राइस रखा गया है केवल 3,499 रुपीज। आज के वीडियो में हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे, रिव्यू करेंगे और इसे यूज करके देखेंगे। सारा कुछ आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले करते हैं इसे ओपन। ये है टैग वर्ब कनेक्ट अल्ट्रा गो फर्दर बियॉन्ड। यहाँ पर इसकी इमेज देखने को मिल जाती है। 1.78 इंच का AMOLED डिस्प्ले दिया गया है, ब्लूटूथ कॉलिंग दी गई है। इसके अंदर हमें 600 निट्स की ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है। सेंस प्लस टेक्नोलॉजी इसके अंदर दी गई है। रियल टैग चिपसेट इसके अंदर मिल जाता है। बॉक्स के बैक साइड इसके मेन फीचर्स को हाईलाइटेड किया गया है। इंडिया फर्स्ट 1.78 इंच AMOLED ब्लूटूथ कॉलिंग स्मार्ट वॉच। इसके अलावा जो नॉर्मल फीचर होते हैं वो भी सारे इसके अंदर हमें देखने को मिल जाते हैं। तो इसे कर लेते हैं ओपन और देखते हैं कि इसके अंदर हमें क्या क्या एसेसरीज मिलती है। यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन पैकिंग देखने को मिल जाती है। जब हम इसे ओपन करते हैं तो ये एक बुक की तरह ओपन होती है। यहाँ पर आप देख रहे हो एक QR कोड दिया गया है। इस QR कोड को स्कैन करके आपको टैग स्पोर्ट्स ऐप अपने मोबाइल फोन पर इंस्टॉल कर लेना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स देखने को मिल जाते हैं। इसके अंदर हमें यूज़र मैनुअल दिया गया है। इसके अंदर हमें ये सारे डॉक्यूमेंट देखने को मिल जाते हैं। बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ दिए गए हैं। इसके अलावा यहाँ पर हमें एक मैग्नेटिक चार्जिंग केबल दी गई है, जिसके एक एंड पर USB टाइप ए कनेक्टर है, दूसरी साइड में इस तरह का कनेक्टर दिया गया है, जो कि बहुत ही आसानी से आपकी स्मार्ट वॉच पर अटैच हो जाता है। आराम से आप इसे चार्ज कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर जो इसका स्ट्रैप दिया गया है, बिल्कुल अलग से स्ट्रैप यहाँ मिल जाता है। इस स्ट्रैप को आप ईजिली आप अटैच कर सकते हो, डिटैच कर सकते हो। यह है टैग वर्ब कनेक्ट अल्ट्रा स्मार्ट वॉच। सबसे पहले इसकी पैकिंग को रिमूव कर दे रहे हैं। ऊपर टैग की ब्रांडिंग मिलती है। यहाँ पर एक प्रोटेक्टिंग फिल्म लगी हुई है, इसे भी हम रिमूव कर देंगे। फिनिशिंग काफी अच्छी है और इसका ब्लैक कलर मुझे काफी बढ़िया लग रहा है। इसमें आपको और भी कलर वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं। सबसे पहले हम इसके स्ट्रैप को अटैच कर लेंगे। स्ट्रैप को अटैच और डिटैच करना बहुत ही आसान है, आराम से आप यहाँ पर इसे कर सकते हो। स्ट्रैप की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, सिलिकॉन का स्ट्रैप यहाँ देखने को मिल जाता है। वॉच का डिज़ाइन भी मुझे काफ़ी बढ़िया लग रहा है, लाइट वेट है, कॉम्पैक्ट साइज़ है। अगर हम इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो इसकी केसिंग पूरी तरह से मेटल से बनी हुई केसिंग यहाँ मिल जाती है। यहाँ पर इसके सारे सेंसर देखने को मिल जाते हैं। नीचे यहाँ पर चार्जिंग पिंस दी गई हैं। जो मैग्नेटिक चार्जिंग केबल आई है वो यहाँ अटैच हो जाएगी। ऊपर की साइड 1.78 इंच का फुल HD AMOLED डिस्प्ले दिया गया है, जिसकी ब्राइटनेस 600 निट्स की ब्राइटनेस यहाँ मिल जाती है। इस साइड यहाँ पर आपको एक फंक्शनल क्राउन दिया गया है, स्क्रॉलिंग व्हील यहाँ पर दिया गया है, जिससे हम मेनू को अपना यहाँ पर अप एंड डाउन कर सकते हैं। यहाँ पर एक पावर ऑन ऑफ का बटन मिल जाता है। बीच में यहाँ पर छोटा सा एक माइक का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पर इसका माइक लगा हुआ है। और वॉच के इस साइड आप देख रहे हो यहाँ पर एक बहुत ही कमाल का स्पीकर दिया गया है। अगर हम इसकी बैटरी की बात करें, इसके अंदर 250 mAh की बैटरी दी गई है। अगर आप इसका ब्लूटूथ कॉलिंग फीचर यूज कर रहे हो तो आपको लगभग 2-3 दिन का बैकअप यहाँ पर मिल जाएगा। और अगर आप इसका ब्लूटूथ कॉलिंग फीचर यूज नहीं कर रहे हो, नॉर्मली आप इसको यूज कर रहे हो, तो लगभग 5 दिन का बैटरी बैकअप यहाँ पर हमें देखने को मिल जाता है, जो कि काफी अच्छा खासा है। इसे हम ऑन कर लेते हैं। आप देख रहे हो यहाँ पर हमारी वॉच हो चुकी है ऑन। तो यहाँ पर काफी ब्राइट डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। 600 निट्स की ब्राइटनेस इसके अंदर दी गई है। अगर आप इसे इंडोर यूज कर रहे हो, आउटडोर यूज कर रहे हो, अगर आप इसे सनलाइट में भी यूज करोगे तब भी आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। काफी अच्छे से इसका डिस्प्ले विजुअल हो जाता है, मैंने इसे बाहर जाके चेक किया था। इसके अलावा IP67 वाटर रेजिस्टेंट और डस्ट रेजिस्टेंट है, यानी अगर आप स्विमिंग वगैरह कर रहे हो तब भी आप इसको इजीली यूज कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। जब आप इसे ऊपर से नीचे की तरफ स्वाइप करोगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। यहां से आप अपने डिस्प्ले की ब्राइटनेस को कम या ज्यादा कर सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो। ब्लूटूथ ऑन ऑफ का ऑप्शन यहां पर दिया गया है। अलर्ट्स को ऑन या ऑफ करना हो तो उसका ऑप्शन यहां पर दिया गया है। टॉर्च का ऑप्शन हमें इसके अंदर मिल जाता है। वेदर रिपोर्ट भी आप देख सकते हो। यहां पर एक सेटिंग का बटन दिया गया है। सेटिंग के बटन पर जब आप क्लिक करोगे डिस्प्ले का ऑप्शन मिल जाता है। डिस्प्ले पर जब हम कनेक्ट करेंगे, क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑटो स्लीप का ऑप्शन आ रहा है। ऑटो स्लीप पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ से आप सेट कर सकते हो कि आपका जो डिस्प्ले है वो कितने सेकंड बाद स्लीप मोड में चला जाए। मैंने इसे 30 सेकंड पर कर रखा है। मेनू स्टाइल पर क्लिक करेंगे, यहाँ से आप मेनू के स्टाइल को चेंज कर सकते हो। ग्रिड व्यू करना है, लिस्ट व्यू करना है, वो आप यहाँ से कर सकते हो। इसके अलावा ब्राइटनेस का ऑप्शन हमें यहाँ भी देखने को मिल जाता है। वॉच फेसेस का ऑप्शन इसके अंदर दिया गया है। इस वॉच के अंदर 10 इनबिल्ट
इनबिल्ट वॉच फेसेस दिए गए हैं। इसके अलावा अगर आपको इससे ज़्यादा वॉच फेसेस चाहिए तो आप इसे इसके ऐप से कनेक्ट करके वहाँ से आप 100 से ज़्यादा बहुत सारे वॉच फेसेस वहाँ आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर हमें कॉल अलर्ट का ऑप्शन मिल जाता है। आपको यहाँ पर वाइब्रेट, वाइब्रेटेड, रिंग ऑफ, यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो। जो भी आपको अलर्ट सेट करना हो वो आप यहाँ पर कर सकते हो। इसके अलावा आप इसकी इंटेंसिटी को स्ट्रॉन्ग या सॉफ्ट जो आपको रखना हो वो भी आप यहाँ से कर सकते हो। लो पावर मोड का ऑप्शन भी हमें इसके अंदर मिल जाता है। लो पावर मोड को अगर आप ऑन कर देते हो तो ये आपकी बैटरी को 20% तक आपकी बैटरी को सेव कर देता है, कम बैटरी खर्च होगी। थिएटर का ऑप्शन मिल जाता है, टैग कनेक्ट का ऑप्शन मिल जाता है। इसे आप अपने ऐप से कनेक्ट करके, अपने मोबाइल फ़ोन से कनेक्ट करके यहाँ पर आप ब्लूटूथ कॉलिंग कर सकते हो, वो भी हम आगे जाके चेक करेंगे। लेफ्ट से राइट की तरफ जब हम स्वाइप करेंगे तो यहाँ पर आपको इसकी सारी जो एक्टिविटी हैं, आपके सारे रिकॉर्ड हैं, वो यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। जैसे हार्ट रेट है, SPO2 है, ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग है, वो सारे फंक्शंस आपको इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हो SPO2 और टैग कनेक्ट, क्योंकि अभी हमने इसे अपने फ़ोन से कनेक्ट नहीं किया है, वो भी हम यहाँ पर कनेक्ट कर लेंगे तब हम इससे कॉलिंग भी कर पाएंगे। और यहाँ पर ऐड मेनू का ऑप्शन दिया गया है। इसके अंदर और भी बहुत सारे मेनू ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं, जिनमें से आपको जो भी अच्छा लग रहा हो वो आप यहाँ पर लगा सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा कैलकुलेटर का ऑप्शन भी यहाँ मिल जाता है, कैलकुलेटर भी आप यूज़ कर सकते हो। नीचे से ऊपर की तरफ हम स्वाइप कराएंगे तो यहाँ पर आपको सारे मैसेज, नोटिफिकेशन वगैरह यहाँ देखने को मिल जाते हैं। और इसके अंदर एक कमाल का फीचर ऑलवेज ऑन, डिस्प्ले ऑलवेज ऑन का ऑप्शन इसके अंदर मिल जाता है। आपको इसमें एनालॉग क्लॉक और डिजिटल क्लॉक का ऑप्शन दिया गया है, यानी आपका जो डिस्प्ले है वो हमेशा ऑन रहेगा। मैं इसे एनालॉग क्लॉक पर सेट कर दूंगा तो जो एनालॉग क्लॉक है कुछ इस तरह की दिखाई देगी, थोड़ी सी ब्राइटनेस आपको कम लग सकती है लेकिन आपका जो डिस्प्ले है वो हमेशा ऑन रहेगा। इसके अलावा डिजिटल क्लॉक को इस तरह से दिखाई देगी। तो यहाँ पर जो स्क्रॉलिंग व्हील दिया गया है, इससे आप अपने जो मेनूज वगैरह हैं उन्हें इस तरह से स्क्रॉल कर सकते हो। आपको वॉच फेसेस चेंज करने के लिए इसे होल्ड करना है, प्रेस करना है। यहाँ इसके अंदर 10 वॉच फेसेस बिल्ट इन दिए गए हैं। इसके अलावा इसके ऐप में बहुत सारे वॉच फेसेस मिल जाएंगे। मैंने अपने फ़ोन पर टैग स्पोर्ट ऐप को इंस्टॉल कर लिया है और मैं इस वॉच को अपने फ़ोन से पेयर कर देता हूँ, कनेक्ट कर देता हूँ। इसके अंदर हमें बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। जो भी आपका रिकॉर्ड है, ट्रैक रिकॉर्ड है, एक्टिविटी रिकॉर्ड्स हैं, वो सारा आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। आपका हार्ट रेट मॉनिटरिंग, SPO2 मॉनिटरिंग, ब्लड प्रेशर, ऑक्सीजन, सारा कुछ इसके अंदर मिल जाता है। और आप चाहो तो ऐप से भी इसे कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन इस समय हमारी वॉच सरफेस पर रखी हुई है तो यहाँ पर इसके सेंसर फिलहाल काम नहीं करेंगे। जब तक आप इसे रिस्ट पर नहीं बांधोगे तब तक इसके सेंसर काम नहीं करेंगे। यहाँ पर आपकी वॉच की सारी डिटेल देखने को मिल जाती है, बैटरी स्टेटस यहाँ से आप देख सकते हो। इसके अलावा इसके अंदर बहुत सारे वॉच फेसेस देखने को मिल जाते हैं, 10 वॉच फेसेस वॉच के अंदर बिल्ट इन है। इसके अलावा अगर आपको और ज़्यादा चाहिए तो आपको 100 से ज़्यादा, हजारों सैकड़ों आपको यहाँ पर वॉच फेसेस मिल जाएंगे। जो भी आपको अच्छा लग रहा हो उसे आप अपनी वॉच के ऊपर डाउनलोड कर सकते हो। साथ ही साथ यहाँ नोटिफिकेशन का ऑप्शन मिल जाता है, किसी भी ऐप का आप चाहते हो नोटिफिकेशन आपकी स्मार्ट वॉच पर मिल जाए तो वो आप यहाँ से इनेबल कर सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो। साथ ही साथ इसके अंदर हम अपनी वॉच से हम फोटो क्लिक करना चाहें तो वो भी हम यहाँ पर कर सकते हैं। वॉइस असिस्टेंट का फीचर भी इसके अंदर देखने को मिल जाता है। वॉइस असिस्टेंट पर आपको सिंगल टैप यहाँ पर करना है। भारत का प्रधानमंत्री कौन है? विकिपीडिया के अनुसार नरेंद्र दामोदर दास मोदी 26 मई 2014 से अब तक लगातार दूसरी बार वे भारत के प्रधानमंत्री बने हैं तथा वाराणसी से लोकसभा सांसद भी चुने गए हैं। आप वॉइस असिस्टेंट को यूज करके आप यहां पर कॉल कर सकते हो। एक बार आपको सिंगल टैप करना है और बस कॉल आपकी स्टार्ट हो जाएगी। जैसे मैं यहां करता हूं, कॉल रमन जोशी, कॉलिंग रमन जोशी मोबाइल। ये देखिए रिंग भी आ रही है और इसके स्पीकर की क्वालिटी भी काफी बढ़िया है, तो आप इसकी क्वालिटी देख सकते हो। बात करके देखते हैं हम। रमन जोशी, हेलो। हेलो मिस्टर रमन जोशी। हाँ जी सर। आपको हमारी आवाज कैसी आ रही है? साफ आ रही है। क्लियर आ रही है? हाँ नहीं ऐसा नहीं लग रहा। क्लियर आवाज है ना? हाँ। कॉल को डिस्कनेक्ट करने के लिए यहाँ से बस हमें यहाँ पर फोन को डिस्कनेक्ट कर देना है, हमारी कॉल डिस्कनेक्ट हो जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर रीसेंट कॉल का ऑप्शन मिल रहा है, डायल पैड का ऑप्शन इसके अंदर मिल जाता है। यहाँ से आप डायल पैड पर क्लिक करके यहाँ पर कोई भी नंबर डायल कर सकते हो। आप कोई भी नंबर आपको डायल करना हो, कॉल करनी हो, वो आप कर सकते हो। इसके अंदर कॉन्टैक्ट का ऑप्शन मिल जाता है, फ़ोन बुक भी इसके अंदर आपको मिल जाएगी, कुछ नंबर्स आप इसके अंदर सेव करके रख सकते हो। अब मैं इसे अपनी कलाई के ऊपर बांध के हार्ट रेट चेक करने वाला हूँ।
हार्ट रेट पर हम क्लिक करेंगे और इसका जो हार्ट रेट मॉनिटरिंग सिस्टम है वो चालू हो जाता है। मैंने इसे फ्लैट सरफेस पर रखकर चेक किया था तो इसका सेंसर काम नहीं कर रहा था, यानी इसकी जो एक्यूरेसी है वो काफ़ी अच्छी है, काफ़ी हद तक एक्यूरेट रीडिंग यहाँ देखने को मिल जाती है क्योंकि इसके अंदर सेंस प्लस टेक्नोलॉजी दी गई है। इसमें आप SpO2 चेक कर सकते हो, BP मॉनिटरिंग कर सकते हो, सारे फंक्शंस आपको इसके अंदर मिल जाते हैं। इसके अलावा इसके अंदर हमें गेम का ऑप्शन भी दिया गया है, फ्लपी वर्ड 2048 दो गेम इसके अंदर दिए गए हैं, गेम खेल के भी आप टाइम पास कर सकते हो। इसके अलावा इसके अंदर 124 स्पोर्ट्स मोड भी मिल जाते हैं, वॉकिंग, रनिंग, साइकिलिंग, बहुत सारे आपको इसके अंदर एक्टिविटीज़ देखने को मिल जाती हैं। तो दोस्तों टैग की स्मार्ट वॉच मुझे काफ़ी बढ़िया लगी, क्वालिटी काफ़ी बेहतरीन है। इसके अलावा जो इसका ब्लूटूथ कॉलिंग फीचर दिया गया है वो काफ़ी अच्छे से यहाँ पर काम कर रहा है, काफ़ी क्लियर वॉइस हमें यहाँ पर देखने को मिल जाती है। अगर आप इस वॉच को परचेज करना चाहते हो तो यही टाइम सबसे बढ़िया है, क्योंकि जो इसका लॉन्चिंग प्राइस रखा गया है वो है केवल 3,499 रुपीज़, लेकिन बहुत जल्दी ही इसकी कीमत बढ़ने वाली है। इसका जो रेगुलर प्राइस होने वाला है वो होगा 3,999 रुपीज़। बाय लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उस लिंक पर क्लिक करके आज ही आप इस वॉच को परचेज कर सकते हो। आपको स्मार्ट वॉच कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।